तीन दिन पहले घर के बेटे के लौट आने से सब कितने खुश थे, पर किसे पता था कि इस घर के भाग्य में एक ही बेटे का सुख लिखा है। Not bad. मेरे भोलेपन में भी जादू है, तभी तो नरेन बाबू पूरी तरह झांसे में आ गए। अब बस उस बहन और उसके भाई को सीधा करना होगा। तुम क्या जानो पूजा, तुम्हारी एक एक निशानी कितनी प्यार से संभाल के रखी है। बाकी है तो एक चमाट, वो भी हम पाकर रहेंगे। क्या बात है कुसुम, फिर से माइग्रेन का दर्द शुरू हो गया क्या? नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। वैसे कुसुम, आज कितना खुशी का दिन है, हरीश बाबू का बेटा वापस घर जो लौट आया है। और देखो ना, आते ही उसने नरेन बाबू का और अपने माँ बाप का मन जीत लिया। बेटे का मोह ही कुछ ऐसा होता है। तो है, तुम खुद ही को देख लो, अनुज दो दिन के लिए कहीं चला जाए ना, तुम कितनी परेशान सी हो जाती हो। आइसक्रीम खाओगी? रात के इस वक्त आइसक्रीम खाने का कोई वक्त थोड़ी ना होता है। अभी लेकर आता हूं। मुझे तो आपके बेटे अनुज की कुंडली में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुंडली की माने तो आपके बेटे की आयु पूरी हो चुकी है। पता नहीं, ये वहम मन से जा ही नहीं रहा है। हे राम जी, मेरे बेटे की रक्षा करना। बेटा, मैं तो तुम्हारा बचपन का गुनहगार, पता नहीं इतनी बड़ी चूक मुझसे कैसे हो गई। परिवार के होते हुए भी तुम्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। अब तो चाहकर भी इस भूल की भरपाई नहीं कर पाऊंगा। नहीं दादू, फिर कभी आपने ऐसी बात की ना तो मैं फिर से कहीं चला जाऊंगा। ऐसे कैसे चले जाओगे? हाँ, जाने देंगे क्या हम तुम्हें? जितना अधिकार नरेन और राहुल का है ना व्यास मेंशन में, अब उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। अब तुम अंगराज नहीं, अंगराज सुप्रिया हरीश व्यास जी। भाई, और अब मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों बेटे जल्दी से मेरे कंधों का बोझ कुछ कम कर दें, ताकि अब मैं रिटायरमेंट वाली छुट्टी लेकर अपनी बीवी के साथ एक लंबी वेकेशन पर जा सकूं। क्यों सुप्रिया? बिल्कुल नहीं, आप अपनी छुट्टियों की तारीख आगे कर दीजिए। क्यों भाई? अब तो मैं अपने दोनों बेटों का खूब लाड करूंगी, सर में तेल लगाऊंगी, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। देखिए ना, कैसे तो चेहरे हो गए हैं मेरे दोनों बेटों के। बेटा, बड़ा भाई होने के नाते आज मैं तुझे एक और जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। तू मेरी आत्मा है और अंगराज मेरा दिल। आज मैं अपना दिल तुझे सौंप रही हूं, हमेशा इसकी हिफाजत करना। डोंट वरी मां, मैं हमेशा इसकी परछाई बनकर इसके साथ ही रहूंगा। एंड आई प्रॉमिस, इसे एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। और मुझे भी एक तोहफा चाहिए आपसे, इलेक्शंस आने वाले,
और मैं चाहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई सीएम की कुर्सी पर बैठे। तुम्हारी ये विश अब से मेरे लाइफ का मिशन। हे कन्हैया, जिस अंगराज को मैं जानती थी ये वो अंगराज तो नहीं लग रहा। बस कन्हैया, मेरे डर को सच मत होने देना। तुम चुपचाप बैठो और खाओ, सारा काम आज ही करोगी क्या? जितना घी बटर खाओगी उतना मेरा पोता रिष्ट पुष्ट होगा। अब मुंह मत बनाओ, खाओ, ये ले। मैं देखता हूँ। ये तो वही बेकरी है जहां से अंगराज ने। लटी अंगराज, हेलो, कैसे हैं साले साहब? ये क्या बदतमीजी है? गुस्सा नहीं साले साहब, मैंने सोचा कि जब पूजा जी पूरी की पूरी वन पीस में मेरे सामने है तो उसकी निशानी रखकर मैं क्या करूंगा, इसीलिए आपको लौटा दिया। संभाल के रखिएगा जैसे मैंने 10 सालों तक संभाला था। बेटा दोपहर का खाना तुम दोनों को घर पर ही खाना है, तुम्हारे पसंद की सारी चीजें बनाऊंगी। सुप्रिया, बेटा क्या आया आप? आप तो हमें भूल ही गई। हमारी पसंद नापसंद का तो कभी इतना ख्याल नहीं रखा आपने। क्या भैया, आप भी क्यों छेड़ रहे हैं भाभी को? और भाभी, आप भैया पे बिल्कुल ध्यान मत देना, आज खाना अंगराज और नरेन की पसंद का ही होगा। खाना राहुल की पसंद का भी तो बन सकता था। बाकी सबकी छोड़ो बेटा, तू बता कि तुझे क्या पसंद है। माँ, क्या बात है माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे थे, आपका बेटा क्या आ गया, आप तो मुझे भूल ही गई। भाई, सालों बाद घर लौटा हूं, अगर माँ ने मेरी पसंद पूछ भी ली तो आप क्यों जल रहे हो? ए हेलो, ये कोई तरीका नहीं अपने बड़े भाई से बात करने का। तो ये भी कोई तरीका नहीं अपने छोटे भाई को ट्रीट करने का। छोटे भाई, बस करो तुम दोनों। एक दिन नहीं हुआ भाई भाई को मिले और लड़ाई करनी भी शुरू कर दी। बाबूजी, इससे तो अच्छा यही था कि दोनों भाई दूर दूर ही सही। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। प्यार का बंधन है, जन्म का।
बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। अंगराज, आई एम कमिंग फॉर यू। अब ये केक ही तुम्हारे खिलाफ मेरा सबूत बनेगा। झुका देंगे हम तेरे राह में, जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, संगम है। अंगराज, मेरी दी के घर में तुम्हारा आज आखिरी दिन होगा। एक मिनट जीजू। अनुज, हाउ डेयर यू? मेरी दी को डराना चाहता है? एक बार जेल जाके तेरा चैन नहीं मिला। अरे छोड़। ये क्या बदतमीजी अनुज, होश में तो हो। माफी मांगो अंगराज से, अभी माफी मांगो। अरे माफी तो इसे मांगनी चाहिए सर। इसी करतूत सुनने के बाद ना आप भी यही बात बोलिएगा। साफ साफ बताओगे हुआ क्या है? ठीक है, इस बार मैं सबूत के साथ बात करूंगा। अगर अंगराज बदल गया है तो फिर ये क्या है? और इतना नहीं जीजू, इसकी बेशर्मी देखिए, मुझे फोन करके धमकाता है। क्या बोल रहा तूने कि इस निशानी की तुझे जरूरत नहीं, क्योंकि दी तेरे नजरों के सामने है। नहीं, ये कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है तेरे भाई पे, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? मां एक मिनट। अनुज, कब आया था फोन तुम्हें? तकरीबन आधा घंटा पहले। लेकिन पिछले एक घंटे से अंगराज हमारी नजरों के सामने से गया ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे फोन कर सकता है वो? एग्जैक्टली। मेरा यकीन करिए जीजू, आप तो सब जानते हैं, मेरा यकीन करिए ये दी के बाल है और पिछले 10 साल से ये इस इंसान के पास। 10 साल? What do you mean 10 साल? तुम्हारे कहने का मतलब है पूजा और अंगराज पहले से एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, ये सच है कि मैं पूजा भाभी को उनके स्कूल टाइम से जानता हूं। अंगराज, मेरी बातों पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाई, मैंने गलतियां की हैं, अब मैं उनसे भाग तो नहीं सकता ना, और पूरे परिवार को सच जानने का पूरा हक है।
इसीलिए प्लीज आप मुझे मत रोकिए। हो सकता है ये बात सुनकर मैं आप सबकी नजरों में गिर जाऊं, लेकिन अगर मैंने ये बात नहीं कही तो मैं अपने भाई और भाभी की नजरों में तो जरूर गिर जाऊंगा। मां, मैं सच में बहुत बुरा इंसान था, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास मां नहीं थी। अगर आप होती ना, मैं कुछ गलत नहीं करता। ऐसे भाभी को सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता मेरी वजह से। बेटा, समय सब कुछ बदल देता है। हाँ बेटा, अगर कोई गलती करके सुधर जाए तो उसे मन में कोई ग्लानि नहीं रखनी चाहिए। जो आप सब मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अगर से इंसान की नियत वाकई में बदल गई होती तो मैं इस तरह ये सब लेकर आपके सामने खड़ा नहीं होता। तुम फिर से शुरू हो रहे। एक मिनट, इस बात को साबित करने का एक तरीका है। अगर ये बाल पूजा के, तो डीएनए टेस्ट से ये बात साबित हो सकती है। दानिश, ये सैंपल इंस्पेक्टर शिवानी के पास ले जाओ और उनसे कहना कि इसके रिजल्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। लेकिन भाई, डीएनए रिपोर्ट्स आने में काफी वक्त लग जाएगा। राहुल, और कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? कोई टेस्ट नहीं होगा और ना ही कोई रिपोर्ट्स आएंगी। जब मेरे बेटे ने कह दिया है कि कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया। और तू, 10 साल पहले मेरे बेटे ने जो गलती की, आज उसके लिए एक माँ तुमसे माफी मांग रही है। अब मेरा बेटा बदल गया है। हाथ जोड़ती हूं मैं तुम्हारे सामने, 10 साल पुरानी गलती के लिए मेरे बेटे को आज सजा मत दो। एक मिनट, दादाजी, मॉम, डैड, अगर मेरा भाई चाहता है कि डीएनए टेस्ट हो तो मैं हर टेस्ट के लिए तैयार हूं। अच्छा ही है ना, एक ही बार में सबके मन से वहम दूर हो जाएंगे। दानिश, टेस्ट का प्रोसेस शुरू करते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, मेरी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती, मैं इस घर के बाहर ही रहूंगा। अंगराज, अंगराज, ये क्या बचपन है? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ऐसा भी नहीं होता है नरेन। भाई की बोली से ज्यादा अपने साले के इल्जाम पर यकीन है तुम्हें? आप सब भी कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक मेरा बेटा इस घर के अंदर नहीं आएगा, मैं भी अपने पैर इस घर में नहीं रखूंगी। इस तरह
मेरा घर छोड़कर मुझे सजा मत दीजिए मां। मुझे नहीं चाहिए कोई रिपोर्ट, नहीं करवाना कोई टेस्ट। नहीं माननी चाहिए थी मुझे उनकी बात, ना वो टेस्ट होती, ना घर के बेटे पर गलत इल्जाम लगता और ना मैं आज इस तरह बैठी होती लाश के इंतजार में।